पुराने समय में हमें गुरु शिष्य के प्रेम की बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जैसे अरुणी व उनके गुरु की कहानी, एकलव्य व उनके गुरु द्रोणाचार्य की कहानी, शिवाजी व उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास की कहानी। इन सब में शिष्यों का गुरु के प्रति निश्चय प्रेम दिखाई देता है। शिष्यों का अपने गुरु के प्रति समर्पण व प्रेम की भावना अभी भी देखने को मिलती है। केवल शिष्य ही नहीं, गुरु भी अपने शिष्य से उतना ही प्रेम करते हैं। लगभग 100 या 150 साल पहले की बात है, दक्षिणेश्वर में एक महान संत हुआ करते थे, जिनका नाम था ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। ठाकुर रामकृष्ण काली माता के अनन्य भक्त थे, साथ ही उन्होंने अल्लाह की इबादत व बाइबल का भी खूब अध्ययन किया था। उन्हें गहरे ध्यान में ईसा मसीह के दर्शन भी हुआ करते थे। ऐसे महान शिष्य ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के 16 शिष्य थे। ये सारे शिष्य अपने में अद्भुत व महान थे, कोई ज्ञान में, कोई भक्ति में, कोई समर्पण में, तो कोई कर्म में। ठाकुर जी को अपने सारे शिष्य बहुत ही प्रिय थे, और उनमें से भी सबसे प्रिय थे स्वामी विवेकानंद। उनके सारे शिष्य उनके साथ समर्पण व प्रेम भाव के साथ रहते थे। एक बार की बात है, ठाकुर रामकृष्ण को एक लाइलाज बीमारी हो गई, जिससे उनका गला बुरी तरह घायल होने लगा, उसमें से खून व पस निकलने लगा। गुरु की यह हालत देख उनके सारे शिष्य निराश व हताश होने लग गए। शिष्यों से अपने गुरु की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, और दूसरी तरफ विवेकानंद को अपने गुरु भाइयों के चेहरे पर अपने गुरु के प्रति उदासी व निराशा अच्छी नहीं लग रही थी। वे अपने गुरु भाइयों के चेहरे पर अपने गुरु के प्रति उत्साह व सकारात्मकता देखना चाह रहे थे। थोड़ी देर बाद विवेकानंद अपने गुरु के पास बैठे, जहां डॉक्टर उनके गले की ड्रेसिंग कर रहे थे। डॉक्टर ने एक बर्तन में उनके गले से निकली हुई गंदगी रखी हुई थी। विवेकानंद ने थोड़ी देर बाद उस बर्तन को उठाया और उसे पी लिया। यह देखकर सारे शिष्य चकित हो गए, और बिना निराश व हताश हुए अपने गुरु की सेवा में फिर से जुट गए। ऐसे महान शिष्य स्वामी विवेकानंद ने अपने कार्यों के जरिए हमेशा एक आदर्श स्थापित किया है। हमें भी विवेकानंद की तरह एक सच्चा शिष्य बनना चाहिए। अपने गुरु के दिए हुए आदर्शों को एक अंश मात्र में भी हम अपने जीवन में यदि उभारें, तो वही गुरु के प्रति सच्ची सेवा व समर्पण होगा।